अस्सलाम वालेकुम जी, सब स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हम लोग ये शेप्स देखेंगे और इनको जो है चेक करेंगे कि ये कौन कौन सी वजह होती हैं हमारे नेल को फंगस लगने की, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने कुछ जो है वो पिक्स भी ऐड की हैं। आप लोग उसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके उसको एक दफ़ा रीड भी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए नेल कितने किस्म के होते हैं, नेल में किस किस तरह से फंगस लगता है, उनमें किस कलर का फंगस होता है, तो उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। अभी देखें, एक ये मेरे पास इस तरह से नेल था कि जिस पे फंगस बिल्कुल एंड तक जा रही थी, तो ये इसके लिए जो एक नेल पेंट है इसकी एप्लीकेशन की गई है नेल पेंट को, जो कि बहुत अंदर जड़ तक भी उसको लेके जा रहे हैं और ऊपर भी उसकी एप्लीकेशन की है, और 2 से 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नेल ने कवर कर लिया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया। तो जिस तरह ये एप्लीकेशन की जा रही है, जिस तरह से नेल ख़राब है, अभी आपको सारा जो है इसका करने का मेथड बताया जाएगा कि हम लोग अपने नेल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरह ले सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, आप लोग कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो जो है स्पेशली उन सब के लिए है कि जिनको बहुत से इश्यूज़ आते हैं और इवन के जो है वो नेल ख़राब होते हैं और वो डॉक्टर भी कहते हैं जी ये क्या है, ये फंगस है, उसका कोई वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो ये बहुत बेस्ट एस्थेटिक में जो मेथड इसका आया है, इसमें नेल पेंट की एप्लीकेशन है और बहुत इजी वे में कि आप लोगों को अगर किसी को भी नेल का फंगस का इशू आ रहा है तो आप लोग इसी तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप देखें कि ये जो नेल है इसको हमने नेल पेंट लगाने के बाद हल्का हल्का रब किया, इसकी थोड़ी देर के बाद जो कंडीशन है वो भी आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी देर के टाइम के बाद इसकी कंडीशन किस तरह से थी। ये देखें, ये फिंगर का नेल है, ये फिंगर का नेल आधा टूट चुका था और आधे में अभी फंगस स्टार्ट थी, तो इसका जो है वो भी ट्रीट इसी से नेल पेंट से ही किया गया। थोड़ी सी स्प्रिट टाइप लगती है, हल्की सी चुभन फील होती है, बट इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे आए यूज़ करने के बाद। तो मेरा दिल किया कि इस तरह से मेरी अपनी बहुत सारी इस तरह से क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ये सवाल पूछती हैं और उनके नेल्स का इशू आता है अक्सर का, तो चूँकि मैंने इस पर प्रैक्टिस की है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और जो इसके व्यूज़ थे वो भी आप लोगों को बताऊँ कि बहुत अच्छे व्यूज़ रहे इसके। इस तरह से ये देखें, नेल पेंट लगाने के बाद ये बिल्कुल वाइट कलर में सारा नेल जैसे फूलता है, फंगस सारा जैसे ऊपर आ गया उबल के, इस तरह से नेल की कंडीशन थी। और इसको जब हमने बहुत अच्छे से रब किया तो काफ़ी हद तक ये जो नेल था वो रब होने के बाद नेट हुआ। ये देखें, अभी ये नेल के ऊपर जो मैंने साइड पर भी लगाया था वो भी ऐसे फंगस जैसे फूल के बाहर को आ जाता है, इस तरह से ये नेल के ऊपर थी कंडीशन। इसको जो है वो रब करके तो नेट करके भी आपको दिखाऊंगी, और इसकी ट्रीटमेंट अभी चल रही थी तो मैंने सोचा कि चलें अभी फर्स्ट पे ही एप्लीकेशन है तो ये भी आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह 2 दिन की एप्लीकेशन के बाद नेल ने कवर कर लिया, उसके बाद भी आपको जो है इसके जो है बकायदा वो चेक करवाऊँगी कि आफ्टर बिफोर के इसके रिज़ल्ट कैसे थे। बहुत आसान वे में जो है इसका ट्रीटमेंट किया गया, तो ये बिल्कुल नेल पेंट के साथ ही मिलता है। आप इसी तरह से इसके साथ फॉलर के साथ नेल को फॉलिंग में रब करते हो तो आपकी जो एक्स्ट्रा फंगस है नेल के ऊपर जो आ जाती है वो बिल्कुल आराम से जो डेड हुई स्किन है उतर जाती है। इसमें कोई पेन नहीं है, किसी किस्म की कोई जलन नहीं है, कोई इचिंग नहीं हुई, बहुत आराम से जो है ये हमने ट्रीट किया इस नेल को। और जब आप लोग अपने अपने सेटअप बनाते हो तो मैनीपैडी के लिए जब आपके पास क्लाइंट आता है उनके नेल इस तरह से होते हैं, वो स्पेशली आते ही मैनीपैडी के लिए, इसलिए आप अपने जो पानी में जो है वो आप नमक ऐड करें जो कि मैनीपैडी का सॉल्ट मिलता है फंगस के लिए स्पेशल, वो आप ऐड करके अपने पाँव को अच्छे तरीके से मैनीपैडी अपने क्लाइंट को दें, और अगर किसी के नेल का इशू है तो उसको आप इसी तरह से ट्रीट कर देंगे और वो इंशाल्लाह से वो कवर हो जाएगा और आपका क्लाइंट आपसे बहुत मुतमिन और खुश होगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हम लोगों को शायद कोई भी नहीं बताता, बट इसको जो है वो देखना और इन चीज़ों को नोट करना, इन पे जो है वो काम करना आपके पॉलर में 4 चांद लगा देता है कि आप इस इन चीज़ों को समझते हो।
तो अभी तक जितनी भी मैंने सर्चिंग की, मुझे नेल फंगस के लिए कोई भी इस तरह से वीडियो नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चले मैं इस पे वीडियो बना के तो अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और आप लोग अपने सैलून पे ये सर्विस रखो, अपने क्लाइंट को दो जिनके इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यकीन करें तो वो आपको दुआएं देंगे और दूसरा आपके सैलून का काम जो है वो परफेक्ट और अच्छे नाम से पुकारा जाएगा कि फ़लाँ सैलून पे हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट लिया था, जो डॉक्टर से नहीं हल हुआ वो सैलून वाली ने काम कर दिखाया। ब्यूटिशियन के तौर पे आप काम कर रही हैं, आप एस्थेटिक के तौर पे भी काम करें, एज आ एक एस्थेटिक क्लिनिक अपना सेट करना चाह रही हैं, आप उसको सेट करें। छोटे छोटे से ये पॉइंट्स होते हैं, आप अपने क्लाइंट को इनकी सर्विस ज़रूर दें। तो ये हमारे जो थे आफ्टर एंड बिफोर के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये देखें फंगस और हेल्दी नेल किस तरह।